वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं फोर्स की ट्रैक्स क्रूजर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्राइवेट व्हीकल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। 9 सीटर प्लस एक ड्राइवर, मतलब 10 सीटर गाड़ी है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और यही वाली जो गाड़ी है ये महाराष्ट्र के अंदर जो ये लीगल है। अगर आपको 11 या 12 सीटर वाली लेनी होगी जो कि इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो वाली जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलती है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इस गाड़ी की जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 5.1 मीटर्स की इसकी आपको लेंथ मिलती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसके अंदर जो स्पेस भी उतनी ही ज़्यादा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले आप इसकी जो बाहर से लुक्स देख लीजिए, ये कुछ ये बाहर से दिखती है। सामने की साइड में आपको जो ये हेलोजन हेडलैम्प्स मिलती है, फोर्स की यहाँ पे जो बैजिंग की है, फोर्स का आपको एक नीचे बड़ा सा लोगो भी मिलता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये आपको रेडिएटर ग्रिल्स मिलती है अंदर के साइड में, और दो हॉर्न्स भी जो यहाँ पे आपको हल्के हल्के दिख रहे होंगे जाली के अंदर से। बाकी तो अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो जो मतलब पहले ट्रैक्स आती थी उससे तो काफ़ी अलग इसकी डिज़ाइन है, काफ़ी एक नई लुक इसको देने की कोशिश की है इंजन ठंडा करने के लिए। शायद से यहाँ पे आपको जो एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजन इसके अंदर जो 2.6 लीटर का डीजल इंजन यूज़ किया है जो कि काफ़ी पावरफुल है। 91 HP की इसके अंदर जो आपको पावर मिलती है और 250 न्यूटन मीटर्स का आपको इसके अंदर जो टॉर्क मिलने वाला है। काफ़ी पावरफुल इंजन है, 9 लोगों को लेके जाने के लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा आपको इसके अंदर जो इंजन मिलता है। और ये वाला जो इंजन है ना, ये मर्सिडीज़ ने डिज़ाइन किया है। बाकी तो आप यहाँ पे इसके व्हील्स भी देख सकते हैं, 15 इंचेस के आपको जो यहाँ पे व्हील्स मिलते हैं जो कि स्टील व्हील्स है। सामने के साइड में डिस्क ब्रेक दिया है और पीछे के साइड में इसके अंदर जो ये ड्रम ब्रेक यूज़ किया है। अगर हम चेसी की बात करें तो CNC टाइप की यहाँ पे आपको जो इसकी चेसी मिलती है, थोड़ी आप हल्की फुल्की यहाँ पे देख भी सकते हैं। सामने का अगर हम सस्पेंशन देखें तो इसके अंदर आपको जो टॉर्शन स्प्रिंग का यूज़ किया मिलता है सामने के साइड में, और पीछे के साइड में पैराबोलिक लिफ्ट स्प्रिंग जो इसके अंदर यूज़ की है। साइड लुक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फुटस्टेप दी है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 191 mm का आपको इसके अंदर जो एक ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। हाइटेड भी है, ऊंची भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस भी जैसे कि ज़्यादा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं अपने आप को इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आप देखना, मेरी हाइट जो है ये 6 फीट की है, तो मेरे से भी काफ़ी ऊंची है ये गाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज़र की यहाँ पे जो ये बैजिंग की है, और अगर ऊपर से मतलब छत से पानी आता है ना तो वो इस पट्टी पर जाएगा और ये पानी यहाँ से निकल के शायद से यहाँ से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, तो आपको जो कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। बाकी तो यहाँ पे आप डोर हैंडल्स वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह के हैं, काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। साइड मिरर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैनुअल साइड मिरर्स मिलती है, हाथ से आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। और जो विंडोज़ है वो भी आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर जो ये विंडोज़ मिलती है, तो इससे जो बाहर का नज़ारा है ना वो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। पीछे से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसकी पीछे से लुक, कुछ इस तरह से दिखती है। ट्रैक्स की आपको यहाँ पे जो बैजिंग मिलती है, उसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है इसके टेल लैंप्स, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो ये 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देखना, ये 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे ऐसे 4 पार्किंग सेंसर्स जो दिए हैं। स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं, स्टेपनी आपको यहाँ पे पीछे के साइड में मिलता है, और पीछे के साइड में जैसे कि यहाँ पे भी सीट है, 4 सीट यहाँ पे जो दी है। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ से आप पीछे के साइड में यहाँ पे चढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इसका खुल गया डोर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे पैर रखना है और आप अंदर की साइड में आ गए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग बैठे गए, आराम से बैठ जाएंगे, और यहाँ पे भी जो है 2 लोग बैठे गए, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी एकदम ठीक से बैठा हूँ। तो यहाँ पे आप जगह देख सकते हैं, मेरे साइड में एक बंदा बैठ जाएगा, तभी भी इतनी ज़्यादा जगह यहाँ पे बचेगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जैसे कि 12 सीट वाला भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे और थोड़ी सीट वगैरह बढ़ जाती है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर मतलब लीगल नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर वो नहीं बेचा जाता, तो सिर्फ MP वगैरह साइड में वो जो है बेचा जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप बाकी का इंटीरियर भी देख सकते हैं, ऊपर के साइड में ये क्रीम कलर का इंटीरियर आपको मिलता है। यहाँ पे 2 हैंडल्स आपको जो ये डोर के साइड में मिलते हैं, यहाँ पे एक हैंडल जो ये दिया है, यहाँ पे डोर खोलने के लिए एक हैंडल दिया है, और यहाँ पे कुछ मेडिकल किट वगैरह शायद से रहेगा, तो उसके लिए आपको शायद से यहाँ पे जो जगह मिलती है। बट ये कैसे खोलना है, हाँ तो यहाँ से खुलता है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी खाली है, बट इसके अंदर शायद से मेडिकल का किट आएगा, और यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें मिलती है। मैटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैटिंग आपको गाड़ी के साथ ही मिलने वाली है। ऊपर यहाँ पे भी एक हैंडल दिया है, मजबूती से आप यहाँ पे भी जो है पकड़ सकते हैं, अगर रास्ता जो है थोड़ा सा
खड्डों वाला होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कुछ इस ट्रैक्स क्रूजर का इंटीरियर। वैसे इसके अंदर एक यूटिलिटी वैन भी आती है, तो उसके अंदर जो ये वाली जो पूरी जगह है ना, ये खाली हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो ये सामान रख सकते हैं, सामने सिर्फ ड्राइवर बैठेगा, उसके साइड में एक बंदा बैठेगा, बाकी तो ये जगह पूरी खाली हो जाती है अगर आप यूटिलिटी वैन लेते हो तो। और उसके अंदर दो ऑप्शन है, आप 5 सीटर प्लस ये वाली जो जगह है पूरी खाली करवा सकते हैं, या ये जो पिछली सीट है ना वो सामने आप देख रहे हैं वो वाली सीट भी आप हटा सकते हैं उस वाले मॉडल के अंदर। बाकी तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गया, जो कि यहाँ पे आपको एक बेल्ट भी मिलता है रबर का, जो कि इस डोर को जो है ठीक से पकड़ के रखेगा और ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा। यहाँ पे जो ये फोर्स की अगेन बैजिंग की है, पीछे से आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी है। और अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ ना, तो अंदर से भी आप देखना यार, मतलब विंडो जो है ये बहुत बड़ी है, तो आपको बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छे से दिखने वाला है। चलता हूँ मैं इस गाड़ी की अगेन फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट फेशिया, आप जो भी बोले, कमाल की दिखती है ना। एक बार मैं यहाँ पे अंदर चल के आपको इसका जो इंजन भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे इसका हम इंजन जो है, बोनट जो है इसका हम खोल लेते हैं। तो बोनट मैंने खोल लिया और ये जो इसका इंजन है ना वो यहाँ से खुलता है। तो ये जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हेवी है यार, मतलब एक हाथ से उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 2.6 लीटर का डीजल इंजन। इंजन की आप यहाँ पे जो है प्लेसमेंट देख सकते हैं किस तरह से की है। पावर के मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशंस बोल दिए हैं कि आपको 91 HP की जो इसके अंदर पावर मिलती है, और जो टॉर्क है वो है 250 न्यूटन मीटर्स का। तो ये कुछ आपको यहाँ पे जो इसका इंजन मिलता है। अभी हम चले गए इसके फ्रंट सीट के ऊपर। तो ये इसका फ्रंट सीट है, आपको कुछ इस तरह का इसका फ्रंट सीट मिलता है। यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, यहाँ पे शायद से दो बंदे बैठेंगे, एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। वैसे मेरे पास यहाँ पे इसका ब्रोशर भी पड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला मॉडल है, ड्राइवर प्लस यहाँ पे उसके साइड में दो बंदे बैठेंगे, और पीछे जो है उसके पीछे तीन बंदे बैठेंगे, उसके पीछे और चार बंदे जो है ये हॉरिजेंटली बैठेंगे। और यहाँ पे ये वाला और एक मॉडल आता है जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो लीगल नहीं है, 11 सीटर वाला। उसके अलावा और एक मॉडल भी आता है 12 सीट वाला विद ड्राइवर, मतलब 13 लोगों के लिए गाड़ी जो है ये बनाई जाती है। इतनी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, आप इसके अंदर जो है बहुत सारा लगेज भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो गेयर बॉक्स है वो है 5 स्पीड प्लस एक रिवर्स, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए जगह तो दी है, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आप जो ये एक्सेसरीज या मतलब ऑप्शनल आप जो है बिठवा सकते हैं कहीं से भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जो यूटिलिटी वैन आती है ना, उसके अंदर आपको जो ये स्पीड लॉक मिलता है 80 की स्पीड का, बट ये वाली जो क्रूजर है या जो एम्बुलेंस रहती है ना, उसके अंदर आपको जो ये स्पीड लॉक नहीं मिलता है। तो इसकी जो स्पीड है वो आप मतलब अपने हिसाब से जो इसको चला सकते हैं। बाकी तो ये इसका कुछ और इंटीरियर, जहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड किस तरह का है। यहाँ पे फोर्स की बैजिंग, यहाँ पे थोड़ी सी सामान रखने के लिए जगह, स्टोरेज बॉक्स, ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे हजार्ड लाइट का बटन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हजार्ड लाइट मैंने ऑन की है। ये एक बार मैं आपको इसका जो हॉर्न भी सुनाता हूँ। तो ये है इसका हॉर्न, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ लाइट के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे अगेन आपको जो ये लाइट के कुछ बटन मिलेंगे, कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल जो है दिए हैं, इसके अंदर आपको दो वाइपर मिलते हैं, और दो वॉशर भी आपको जो ये फ्रंट साइड में जो है देखने को मिल जाते हैं। हाइट अगर आप फिर से एक बार देखें ना यार, तो मेरी हाइट के हिसाब से आप चेक करना, मेरी हाइट 6 फीट है, और यहाँ पे आप जगह देखना कितनी ज़्यादा जगह है। तो ये कुछ आपको चीज़ें मिलती है यहाँ पे, जो जैसे कि दो लोग बैठेंगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और विंडोज़ आपको इसके अंदर आती है, जो कि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पावर स्टेयरिंग विद आपको पावर विंडोज़ इस गाड़ी के अंदर जो देखने को मिलती है। एसी वाला जो वेरिएंट आएगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है एसी के ब्लोअर्स भी मिलेंगे। तो वो वाला भी जो है, अगर आपको ठंडी हवा खाने की ज़्यादा मतलब आदत है, तो वो वाला आप जो है ले सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको उसके अंदर एसी मिलेगा। पैडल्स आप देख सकते हैं, नीचे आपको जो ये सारे पैडल्स मिलते हैं, क्लच और एक्सेलरेटर वगैरह, आपको जो ये ब्रेक वगैरह सारे पैडल्स मिलेंगे। ये है इसका मिडल रो, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो ये 3 लोग बैठ सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे, क्योंकि इस गाड़ी की जो विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चौड़ी है ये। तो यहाँ पे जो एक बंदा बैठेगा, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, वहाँ पे मतलब 2 लोग बैठ, चार लोग तो यहाँ पे जो है बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जगह है, और यहाँ पे भी आप ऊपर के साइड में स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। बाकी तो आप हेडरेस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो ये
दो हेडरेस्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ भी आपको यहाँ पे जो है दो हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सीट भी इसके अंदर आप एक बार देखना, आपको यहाँ पे जो लेदर के सीट कवर्स मिलते हैं इसके अंदर, और काफ़ी कुशनी और अच्छे खासे कंफर्ट वाले आपको यहाँ पे जो इसके अंदर सीट्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ इसका जो डैशबोर्ड है वो पीछे से दिखता है, स्टेयरिंग भी आप देख सकते हैं किस तरह का है। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, ऐसे तीन बॉटल होल्डर जो ये बीच में जो रो है, मिडल रो, वहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाते हैं। हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है तो उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप पैर रख के जो ये नीचे के साइड में उतर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, ये जो विंडो है ये भी आपको पावर विंडो मिलती है, उसको आप एक बार जो है नोट करना। और ये कुछ डोर ओपनिंग के नॉब, यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं किस तरह का है। तो वैसे अगर हम इसको देखें ना तो काफ़ी मतलब यूनिक गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपको ट्रैवल का बिज़नेस भी करना है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। और अगर आपको कुछ सामान का बिज़नेस करना है, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करना है ना, तो इसके अंदर एक यूटिलिटी वैन भी आती है, जिसके अंदर यहाँ से आप जो ये पूरी सीट हटा सकते हैं। तो उसका भी एक बार मैं आपको जो लेआउट दिखा देता हूँ, हमारे पास उसका भी जो है ब्रोशर पड़ा है, तो वो भी चीज़ मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला यूटिलिटी जो वैन है ट्रैक्स की, उसका ब्रोशर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लोग प्लस आप यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और थोड़ी जगह चाहिए तो आप यहीं से जो ये सीट हटवा सकते हैं, और पूरी जो जगह है ना पीछे तक उसको आप जो ये एज अ मतलब सामान रखने के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी वैन भी आपको इसकी जो है देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि मैंने आपको इसकी चेसी बताई, तो CNC आपको इसकी जो चेसी मिलती है, और सस्पेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मिलती है जो टर्निंग रेडियस रहती है ना, मतलब घुमाने में, स्टेयरिंग घुमाने में जो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो 6.1 मीटर की आपको इसके अंदर जो टर्निंग रेडियस मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको टर्निंग करते टाइम जो है थोड़ा सा वो मतलब अंदाज़ आ जाएगा कि ये जो गाड़ी है ये जल्दी जो ये मुड़ जाती है, टर्न ले लेती है। अगर आपको ये गाड़ी देखनी है ना तो आप अपने आसपास के कोई भी फोर्स के डीलरशिप में जाके विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको नासिक में देखनी है ना तो आप उज्जवल एजेंसीज के अंदर जो है नासिक के अंदर आ सकते हैं। तो ये त्रंबक रोड पे है, यहाँ पे आप आके जो ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस फोर्स के ट्रैक्स क्रूज़र के बारे में, 9 सीटर वाले वेरियंट विथ मतलब ये जो ये नॉन AC वाला वेरियंट है, तो इसके बारे में आपको ये ट्रैक्स क्रूज़र कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर से जो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अंदर जो AC वेरियंट आता है ना उसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप नीचे जो कमेंट डालें, और चैनल को जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो ये मेरे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले AC अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।